सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के अपकमिंग फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA के बारे में, और इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं ताकि आपको AMCA प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी दे सकें। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन वीडियोस को देखने के बाद AMCA से जुड़े आपके अधिकतर जो सवाल होंगे उनका आपको जवाब मिल जाएगा। और बाकी जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी बता दें कि हम भारत के तेजस MK2 और TEDBF जैसे अपकमिंग फाइटर प्रोग्राम पर ऑलरेडी डिटेल वीडियोस पहले बना चुके हैं, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर भी वो वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी AMCA प्रोग्राम के इस पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर हमें इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों है, अभी तक इसका डेवलपमेंट कितना हो चुका है, इसके एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस क्या रहने वाली हैं, इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इसकी कितनी यूनिट्स इंडक्ट की जाएंगी, और इन सब के अलावा हम AMCA प्रोग्राम के डिजाइन और कुछ पॉसिबल वेपन पैकेज के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको सूचित कर दें कि AMCA के इस पहले पार्ट में और यहाँ तक कि जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें भी जो भी आपको जानकारी दी जाएंगी उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 3 आर्टिकल्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर पब्लिश किए गए हैं, तो जिनको हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो वे उस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इन सबके अलावा इस एपिसोड में जो भी फुटेज जो भी रेंडर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, और इस दौरान आप जो AMCA के कमाल के 3D रेंडर्स देखेंगे उनका सारा क्रेडिट उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स को जाता है, और ये 3D रेंडर्स किन के द्वारा बनाए गए हैं उनकी जानकारी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए बातें हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें इस AMCA प्रोग्राम की जरूरत है क्यों। तो जो ये AMCA प्रोग्राम है इसे HAL, ADA और DRDO संयुक्त रूप से विकसित कर रही है, और इतना ही नहीं बल्कि इस AMCA प्रोग्राम में इंडियन प्राइवेट कंपनीज को भी शामिल किया जाएगा, और ये जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम को खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही विकसित किया जा रहा है। अब बाकी जो ये सवाल है कि आखिर हमें इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों है, तो इसके एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला कारण है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत। वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के जो अधिकतर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो फोर्थ जनरेशन के फाइटर्स हैं, और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स किसी भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर को ऑपरेट नहीं करती है। और जबकि देखा जाए तो आज के समय में जो दुनिया भर की लीडिंग मिलिट्री पावर्स हैं वो या तो अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को डेवलप कर चुकी हैं या उनमें से कुछ इन फाइटर्स के डेवलपमेंट की एडवांस स्टेज में हैं, जैसे कि अमेरिका के पास है F-22 रैप्टर और F-35, रशिया के पास है Sukhoi-57, और अब तो रशिया एक सिंगल इंजन फिफ्थ जनरेशन फाइटर को भी डेवलप कर रहा है जिसका खुलासा भी कुछ दिन पहले किया गया है। इसी तरह जो हमारा पड़ोसी चीन है उसने भी सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर J-20 को भी डेवलप कर लिया है। अब भले ही वो एक रियल फिफ्थ जनरेशन का फाइटर है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन कम से कम चीन का तो यही कहना है कि उसका ये फाइटर फिफ्थ जनरेशन है। और चूंकि इन तीनों देशों के बाद भारत जो दुनिया की चौथी सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, तो ऐसे में भारत के पास भी एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट होना अनिवार्य हो जाता है, और जब हमारे पास चीन जैसा पड़ोसी हो तब तो ये और भी अर्जेंट नीड बन जाता है। और इसलिए AMCA प्रोग्राम को डेवलप करने का जो दूसरा मेन रीजन है वो भी चाइना ही है, क्योंकि चीन का जो सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर J-20 है उसे 2017 में ही सर्विस में शामिल कर लिया गया था, और तब से लेकर अभी तक चीन उसकी कम से कम 40 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर भी कर चुका है। और हाल ही की अगर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जाएं तो ऐसी संभावना है कि चाइना 2027 तक कम से कम 200 J-20 फाइटर्स को ऑपरेट कर रहा होगा, और आप माने या ना माने लेकिन एक तरीके से भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय जरूर है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स ने चीन के J-20 की कैपेबिलिटी को लेकर सवाल भी उठाए हैं, और जिसमें सबसे बड़ा सवाल उठा था इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लेकर, लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया गया है कि 2017 से लेकर अभी तक चीन ने अपने इस J-20 फाइटर के जो इश्यूज थे उनको काफी हद तक सॉल्व भी कर लिया है। और अगर चीन एक नए और भी पावरफुल इंजन को डेवलप करने में कामयाब हो जाता है तो फिर चीन का यही J-20 फाइटर अपने फुल पोटेंशियल को हासिल कर लेगा, और फिर जिसके बाद ये भारत के लिए एक सर दर्द की तरह बन जाएगा। और इसका इलाज यही है कि भारत के पास इसका मुकाबला करने के लिए एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर मौजूद रहे। इसके अलावा AMCA को डेवलप करने का जो तीसरा मेन रीजन है वो है इस प्रोग्राम के साथ आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। असल में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स होते हैं वो नई टेक्नोलॉजीज के एक फुल स्पेक्ट्रम को ऑफर करते हैं, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो फोर्थ जनरेशन फाइटर्स में आपको देखने को नहीं मिलती है, जिसमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज और ऐसे ही कई सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, फ्लाई बाय ऑप्टिक्स या ऐसी अन्य फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में ही सबसे बेस्ट काम करती हैं, और भारत का AMCA प्रोग्राम इसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज को ऑफर करता है। और इन सबके अलावा अगर बात करें चौथे मेन रीजन की,
तो वो है विदेशी प्लेटफॉर्म को खरीदने में आने वाली दिक्कतें। मान लीजिए अगर भारत अपने इस AMCA प्रोग्राम को डेवलप नहीं करता है और इसके बदले वो किसी विदेशी प्लेटफॉर्म से 5th generation फाइटर्स खरीदने पर विचार करता है, तो ऐसी स्थिति में भी भारत के पास कोई ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर बात करें अमेरिका की तो इस बात की बेहद ही कम संभावना है कि वो कभी भी अपनी 5th generation टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करेगा। यहाँ तक कि अमेरिका की जो अधिकतर क्लोजेस्ट एलाइज हैं, उनको भी अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं करी है। और अगर मान लीजिए अमेरिका ऑफर करता भी है, तो भी अमेरिका का जो F-35 फाइटर है वो US एयरफोर्स तक के लिए इकोनॉमिक बर्डन की तरह है, और ऐसे में अगर भारत इसे खरीद के ऑपरेट करता है तो फिर तो ये इंडियन एयरफोर्स की इकोनॉमिक पे कितना बर्डन होगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और अभी का जो बजट है उसके हिसाब से देखा जाए तो हम शायद ही इसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए। इसके अलावा अगर बात करें रशिया की, तो भारत रशिया के साथ 5th generation फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम करके देख चुका है, जिसमें भारत को फायदा तो कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हुआ था। और इसमें भी प्राइसिंग और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे इश्यूज के चलते ही भारत ने इस प्रोजेक्ट से हटने का फैसला ले लिया था। और इसलिए अगर देखा जाए तो विदेशी प्लेटफॉर्म को खरीदने में जो मेजर इश्यू आएगा वो होगा उसकी कॉस्ट को लेकर, और इसलिए इन सभी इश्यूज को देखते हुए एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म को विकसित करना ही सबसे लॉजिकल डिसीजन है। और एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें वेपन्स और टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी फॉरेन प्लेटफॉर्म को खरीदते हैं तो उसमें इंटीग्रेशंस की लिमिटेशंस जरूर होती हैं। और इन सबके अलावा AMCA जैसा प्रोग्राम भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो ये तो हो गए वो चार मुख्य कारण जिसके चलते हम AMCA प्रोग्राम को विकसित कर रहे हैं। अब अगर बात करें इस प्रोग्राम के अभी तक हुए डेवलपमेंट की, तो इस प्रोग्राम को शुरुआत में मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि MCA का नाम दिया गया था, लेकिन फिर सन 2010 में AMCA के नए नाम के साथ इसे रीफ्रेम किया गया। इस प्रोग्राम को जो बेसिक डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन था उसे 2015 में ही फाइनल कर लिया गया था, और फिर सन 2018 में रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी कि इस AMCA प्रोग्राम की जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जिसमें ये भी तय किया गया था कि इस प्रोजेक्ट को दो फेसेस में कंप्लीट किया जाएगा। फिर जिसके बाद AMCA का जो डिटेल डिजाइन फेस है वो स्टार्ट हुआ 2018 में, और इस बात की उम्मीद है कि इसी साल भारत सरकार की तरफ से AMCA प्रोग्राम के अगले फेस के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। और जबकि करीब 15,000 करोड़ रुपीस AMCA के डिजाइन डेवलपमेंट और इसके प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए मंजूर किए गए हैं। इसके बाद अगर बात करें इस प्रोग्राम की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की, यानी कि AMCA रियलिटी में हमें कब देखने को मिल सकता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो AMCA प्रोग्राम है उसे दो फेस में डेवलप किया जा रहा है, और इन्हें AMCA MK1 और AMCA MK2 के नाम से जाना जाएगा। जो AMCA MK1 है वो एक 5th generation फाइटर होगा, और जबकि AMCA MK2 5.5th generation का फाइटर होगा, और ये AMCA MK1 से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें कुछ 6th generation फाइटर्स की कैपेबिलिटीज भी शामिल की जाएंगी। और अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक AMCA MK1 को 2024 में रोल आउट किया जाएगा, और इसकी जो पहली उड़ान है वो 2025 में हमें देखने को मिल सकती है। और इस तरीके से अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहता है तो फिर AMCA MK1 का जो इंडक्शन है वो 2030 से स्टार्ट हो सकता है। और जहां तक सवाल है AMCA MK2 का, तो इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और अभी से अगर आप काउंट करते हैं तो कम से कम 10 सालों का समय तो लगेगा AMCA MK2 को डेवलप करने में। इसके बाद जो अगला सवाल है कि AMCA की कितने यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट की जाएंगी, तो अभी तक तो ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स AMCA MK1 की 40 यूनिट्स के लिए ऑर्डर देगी, और जबकि AMCA MK2 की 80 यूनिट्स के लिए। यानी कि इस तरीके से अभी वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स टोटल 120 AMCA फाइटर्स पर विचार कर रही है। और अभी आप में से कईयों के मन में सवाल भी आ सकता है कि आखिर AMCA को इतनी कम संख्या में ऑर्डर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर ऐसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भविष्य में ये जो AMCA फाइटर है ये इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा फ्रंट लाइन फाइटर Sukhoi-30 MKI की जगह लेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स तो वर्तमान समय में करीब 272 Sukhoi-Su-30 MKI फाइटर्स को ऑपरेट करती है, तो फिर आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स AMCA को इतनी कम संख्या में खरीद रही है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि 5th generation फाइटर के आ जाने से इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में जो मौजूदा 4th generation के फाइटर्स हैं वो एकदम से गायब तो होंगे नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश जिसकी इकोनॉमी भारत से कहीं ज्यादा बड़ी है, वो भी अपनी एंटायर फाइटर जेट की फ्लीट को 5th generation के फाइटर से रिप्लेस करने की योजना नहीं बना रहा है। और इसका जवाब भी बहुत सीधा सा है, क्योंकि ऐसा करना लगभग एक तरीके से संभव है ही नहीं। और वैसे भी अभी के जो 4th generation फाइटर्स हैं वो अपने अपग्रेडेड वर्जन के साथ आगे भविष्य में भी कई सालों तक मुख्य भूमिका निभाते रहेंगे, और जो 5th generation फाइटर्स हैं कुछ खास मिशन्स में ही डिप्लॉय किए जाएंगे। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये 5th generation फाइटर्स हैं ये हमारे घरों में रखे हुए उन बर्तनों की तरह हैं जो खास मेहमान आने पर ही बाहर निकलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप नए बर्तन लेते हैं तो आपके घर में जो पहले के पुराने बर्तन हैं उन सभी को फेंक देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो नए होते हैं उनको आप किसी खास मौके के लिए रखते हैं। तो बस यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हिसाब है। उम्मीद है यहाँ तक हमने आपको जो भी बातें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी।
और अब बात करते हैं भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर AMCA के डिजाइन की। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने लाइक कर दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात आती है इस AMCA के डिजाइन की, तो ये दो इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसमें जो इसके विंग्स का डिजाइन है वो शोल्डर माउंटेड डायमंड शेप ट्रेपेजोडियल विंग्स है, और विंग्स का जो ये डिजाइन होता है ये सुपरसोनिक रफ्तार में चलते समय जो ड्रैग लगता है उसको कम करता है। AMCA के डिजाइन में आपको कोई भी कैनार्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जो कैनार्ड्स होते हैं वो मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट की मैन्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, पर चूंकि इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर में जो मैन्यूरेबिलिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो नहीं है। और बाकी सरफेस कंट्रोल के रूप में इसमें वर्टिकल वी टेल्स और फ्यूजलाज माउंटेड टेल विंग्स हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके कॉकपिट के डिजाइन की, तो इसमें सिंगल सीट और सिंगल बबल कैनोपी कंस्ट्रक्शन के साथ आने वाला ग्लास कॉकपिट होगा, और AMCA का जो कॉकपिट है उसे इसके एयर इनटेक्स और विंग्स के पास हाई पोजीशन पर प्लेस किया गया है ताकि पायलट को अपने सराउंडिंग्स का एक बेटर व्यू मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें एयर इनटेक की, तो AMCA में एस शेप्ड एयर इनटेक का इस्तेमाल किया गया है जो कि डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी कि DSI इनटेक्स हैं। और इस तरह का जो डिजाइन होता है वो एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, और वो कैसे करता है ये हम डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट में। बाकी AMCA में इंटरनल वेपन बे दी गई है, यानी कि अपने अंदर हथियारों को कैरी कर सकता है, और इसकी जो इंटरनल वेपन बे है वो फ्यूजलाइज के अंडर है। अगर बात करें इसके इंजन्स की, तो जो शुरुआती प्रोटोटाइप होंगे उनमें तो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन जहां तक संभावना है इसके प्रोडक्शन वेरिएंट में भारत का स्वदेशी इंजन इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि भारत फॉरेन पार्टनर के साथ अपना खुद का जेट इंजन विकसित करने पर काम कर रहा है। और जहां तक संभावना है ये फॉरेन पार्टनर कोई और नहीं बल्कि UK की रोल्स रॉयस हो सकती है, और कुछ सोर्सेस ने इसकी एक फॉर्मल डील जल्द ही साइन होने की तरफ संकेत भी दिए हैं। बाकी AMCA का जो नया इंजन प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें 110 किलो न्यूटन तक के आसपास का थ्रस्ट जनरेट करने की कैपेबिलिटी होगी, और चूंकि ये भारत का स्वदेशी इंजन होगा इसमें भारत की तरफ से ही पूरा फंड लगा होगा, तो इसीलिए इसके सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के पास ही होंगे। बाकी AMCA के एवियोनिक्स के मामले में जो इसकी रडार होगी उसमें भारत के स्वदेशी तौर पर विकसित उत्तम AES रडार का एडवांस वेरिएंट इस्तेमाल होगा, जो कि बड़ी और ज्यादा पावरफुल होगी, और इसे गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर मॉड्यूल्स के साथ बनाया जा रहा है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि इस तरह के मॉड्यूल्स रडार की एफिशिएंसी और रेंज को बढ़ाने में मदद करते हैं, और भविष्य में हमें क्वांटम रडार्स देखने को भी मिल सकती है। हालांकि AMCA में क्वांटम रडार्स को इस्तेमाल करने की संभावना बेहद ही कम है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलहाल जो अभी ये टेक्नोलॉजी है वो अपने शुरुआती चरण में ही है, और बाकी अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि Sukhoi 57 की तरह एक ब्रॉडर कवरेज के लिए AMCA में भी साइड रडार्स होने वाली है या नहीं। बाकी अगर बात करें सेंसर्स की, तो AMCA में एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे सेंसर्स का इस्तेमाल होगा, और आमतौर पर इस तरह के सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड पैसिव सेंसर्स का ही इस्तेमाल होता है, और ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट सेंसर्स हैं जिन्हें एयरक्राफ्ट के बॉडी के कई अलग अलग पॉइंट्स पर प्लेस किया जाएगा, और ये सेंसर्स एयरक्राफ्ट के पायलट को सराउंडिंग का 360 डिग्री का कवरेज देंगे, जिससे पायलट को और भी बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी। और इतना ही नहीं बल्कि इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि फास्टर डेटा प्रोसेसिंग को भी इनेबल करेंगे। बाकी अगर बात करें AMCA के कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की, तो फिलहाल इस पार्ट में जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, लेकिन वो सारी जानकारी अनऑफिशियल सोर्सेज से है, और जब AMCA का फाइनल मॉडल आएगा तो आपको इनमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और जो स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स उपलब्ध हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। AMCA के क्रू में एक पायलट रहेगा, इसकी जो लेंथ रहेगी वो होगी 18 मीटर, हाइट होगी 4.8 मीटर, विंग एरिया होगा 39 यानी कि 39.9 स्क्वायर मीटर, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी होगी 25,000 किलोग्राम, फ्यूल कैपेसिटी होगी 6500 किलोग्राम, और अगर बात करें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की, तो इसकी अधिकतम रफ्तार होगी Mach 2.15 से भी ज्यादा यानी कि करीब 2,654 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा जो सुपर क्रूज की इसमें कैपेबिलिटी होगी वो होगी Mach 1.82 तक की, यानी कि 2,247 किलोमीटर प्रति घंटा। फिलहाल अभी तक तो यही प्लान की गई है। बाकी इसकी रेंज 3,240 किलोमीटर, कॉम्बेट रेंज होगी 1,620 किलोमीटर, फेरी रेंज होगी 5,324 किलोमीटर, और सर्विस सीलिंग होगी करीब 65,000 फीट। और अगर आप अंत में बात करें AMCA द्वारा कैरी किए जाने वाले पॉसिबल वेपन पैकेज की, तो AMCA की जो इंटरनल वेपन बे है उसमें कम से कम 4 मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेसिटी होगी, और जब AMCA को नॉन स्टेल्थ मोड में ऑपरेट किया जाना होगा तो उसके लिए हथियारों को कैरी करने के लिए इसमें एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। और नॉन स्टेल्थ मोड में AMCA में कम से कम 14 हार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें अस्त्र फैमिली की एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि अस्त्र MK1 और अपकमिंग अस्त्र MK2 और MK3 भी आपको देखने को मिलेंगी। एयर टू ग्राउंड मोड वाली कैटेगरी के लिए AMCA के पास होगी ब्रह्मोस NG जो कि मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का लाइटर और स्मॉलर वेरिएंट होगा, लेकिन कैपेसिटी लगभग सेम होगी। इसके अलावा इसमें सेंट एंटी टैंक मिसाइल और रुद्रम सीरीज के एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी देखने को मिलेंगी।
अगर बात करें इसके द्वारा कैरी किए जाने वाले बॉम्ब्स की, तो AMCA अपने साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और DRDO के 100 जैसे प्रिसिशन म्यूनिशंस को भी कैरी करेगा। और इतने नहीं बल्कि AMCA में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी भविष्य के एयर वॉरफेयर में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के तौर पर AMCA में कोई भी काइनेटिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टेड एनर्जी बीम का इस्तेमाल किया जाएगा टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसके बारे में भी हम अगले पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गए AMCA के कुछ पॉसिबल वेपन पैकेज। अब अगर इसके पूरे कंक्लूजन पर जाया जाए, तो पिछले कुछ सालों में जो ये AMCA प्रोग्राम है, इसने अपनी डेवलपमेंट को अच्छा खासा विटनेस किया है। और जबकि इसी साल एरो इंडिया शो के दौरान भी AMCA के मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया था, जो कि इस बात को साबित करते हैं कि AMCA के जो डिजाइन है वो लगभग फाइनलाइज हो चुका है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये AMCA प्रोग्राम है, ये हमारे पुराने एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में अपनी निर्धारित टाइमलाइन के अंदर पूरा हो जाएगा। और बाकी इसके बेसिक डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, एवियोनिक्स, पॉसिबल वेपन पैकेज, इन सब पहलुओं के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको AMCA के कुछ ऐसे नए फीचर्स के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में शायद आप में से हर किसी को मालूम नहीं होगा। और बाकी आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट जब भी रिलीज हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।